एडीजी जोन अखिल कुमार ने बुधवार को गुरु गोरक्षनाथ घाट, तकिया घाट, हनुमानगढ़ी घाट पर बनाए गए छठ घाटों का एनडीआरएफ के वोट से निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि नागरिकों को सुरक्षा के दृष्टिगत नदी में बैरिकेटिंग किया गया है, जिससे व्रती महिलाएं या कोई बच्चा गहरे पानी में ना जाए और कोई डूबे नहीं। उन्होंने बताया कि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे किसी व्यक्ति को किसी तरह की समस्या ना हो तथा अराजक तत्वों पर नजर रखी जा सके। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त रखा गया तथा कुछ मार्गों को डायवर्जन भी किया गया है। उन्होंने कहा, महिलाओं के सुरक्षा के दृष्टिगत सादे ड्रेस में भी महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है तथा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, जिससे कहीं भी कोई घटना हो तो तुरंत सूचना मिल सके। उन्होंने बताया कि अराजक तत्वों पर निगरानी रखने के लिए कैमरे की मदद भी ली जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, देखिए आप देख ही रहे हैं चारों तरफ जो प्रमुख रूप से बैरिकेडिंग किया गया है यहाँ पर, ताकि इसमें डूबने का खतरा रहता है। साथ ही साथ जो पीछे के क्षेत्र है वहाँ पे पुलिस बल लगाया गया है कि किसी प्रकार की कोई घटना ना घटे, छेड़खानी ना हो और किसी प्रकार के कोई अराजक तत्व किसी प्रकार की कोई घटना ना कर सके। जो ट्रैफिक की ड्यूटियाँ हैं वो पीछे की ओर है, जो लोगों को आने जाने में आवागमन में कोई असुविधा ना हो। एनडीआरएफ की टीम लगातार अलर्ट है, आप और हम साथ में ही हैं और लगातार पेट्रोलिंग ऊपर नीचे हो रही है ताकि कोई प्रकार की अप्रिय घटना नदी के अंदर ना हो। सब जगह अलर्ट है पुलिस और डिप्लॉयड है खुली और सभी लोग अधिकारी भी पेट्रोलिंग पे लगे हुए हैं। ड्रोन देखिए बहुत लिमिटेड अवेलेबल है, अभी एक ही फंक्शनल है, वो भी डिप्लॉय कर रहे हैं, बट इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस पर डिप्लॉयमेंट रहे और जो खास करके घाटों पर व्यवस्था बैरिकेडिंग की ताकि लोग डीप वाटर में ना जाए, वो एक विशेष ध्यान रखें। बहुत अच्छा है, अच्छी व्यवस्था है, मुझे लग रहा है कि अच्छे ढंग से लोग पर्व मना रहे हैं। छठ एक आस्था का महापर्व भी माना जाता है और स्वतः लोग डिसिप्लिन रहते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती।